किसी को दोष नहीं मानते हैं, परिस्थितियां ऐसी हो गई होंगी कि जिसके नाते हम हार गए, हम उसकी समीक्षा करेंगे और आगे 2019 का चुनाव हर स्थिति में जीतेंगे। मैं आज यहाँ पदयात्रा में आया हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी की जन्मतिथि 150वीं जन्मतिथि मना रही है। एक पखवाड़े की हमारी पदयात्रा हुई, आज उसका अंतिम दिन है, आज समापन का दिन है। इसी क्रम में हम यहाँ कानपुर में आए हैं। हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार हमारी विधायक, हमारे बूथ के सभी प्रभारी मंडल के हैं, उन लोगों के साथ मैं पदयात्रा करूंगा और यह पदयात्रा इस बात का संदेश देगी कि चलते रहो और जनता के बीच रहो। निश्चित रूप से पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को आज पुनः 19 में प्रधानमंत्री देखना चाहता है, तो हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं ताकि देश की जनता का विश्वास प्राप्त करके 2019 में समृद्ध भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए।